सो गाइस, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। तो कैसा लगा मेरा ये लुक? थोड़ा सा चेंज किया मैंने अपने बालों को। तो आज मैंने अपने बालों को शोल्डर लेंथ तक किया है और मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये स्टाइल। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट लग रहा है, एकदम प्यारा सा क्यूट वाला लग रहा है। तो इसमें मैं एकदम बच्ची जैसी लग रही हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कि मैंने किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने बालों को हम कॉम कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हम एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको कॉम कर लेंगे और उसके बाद हम पीछे की साइड जाएंगे। मैं आपको पीछे से बैक दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से कॉम किया है। उसके बाद बालों को अच्छी तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और उसके बाद एक हेयर बैंड की मदद से हम अपने बालों को इस तरीके से बैंड कर लेंगे। सो इस तरीके से हम बैंड को अच्छी तरीके से टाइट करके उसको बांध देंगे। और मैंने दो कर लिए हैं और मैं तीसरा भी कर लिया है। और उसके बाद जब चौथा राउंड मारेंगे तो यहाँ पे हम अपने थोड़े से बाल को इस तरीके से थोड़े से बाल को हम यहाँ पे हमने बैंड कर लिया और बाकी के बाल को हमने छोड़ दिया इस तरीके से। उसके बाद हम आगे की साइड आ गए हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हैंकी लेंगे। तो इस तरीके से हम हैंकी की मदद से उसको शोल्डर लेंथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम हैंकी को अच्छी तरीके से राउंड कर लेंगे, इसको एकदम पतला सा राउंड कर लेंगे इस तरीके से। जब इसको हम हैंकी को जैसे हमें सर में बांधना होता है तो उसको हम राउंड राउंड कर लेते हैं ना, तो वैसे ही इसको हम राउंड कर लेंगे और इसको खूब दबाते हुए हम ले जाएंगे जिससे कि थोड़ा सा एकदम अच्छी तरीके से पतला हो जाए। तो यहाँ पे ना अब हम अपने बालों को इस तरीके से जो हमने बैंड लगाया था उसको खिसका देंगे, थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, एकदम अच्छी तरीके से लूज़ कर देंगे जिससे कि वो अच्छी तरीके से अंदर की साइड मुड़ जाए। उसके बाद हम पीछे की साइड जाएंगे और यहाँ पे हैंकी जो हमने थोड़े से बाल को जगह छोड़ी थी यहाँ पे उसके अंदर हम हैंकी को डालेंगे इस तरीके से। तो जब हमने ना थोड़ा सा लूज़ किया ना, तो वो हैंकी जो जहाँ पे हैंकी के लिए थोड़ी सी जगह बची थी ना, वो एकदम टाइट हो गया। और इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसको हैंकी को हमने बराबर कर लिया है दोनों साइड और उसको अपने सर के ऊपर इस तरीके से हेयर बैंड की तरह बनाएंगे यहाँ पर। और साइड से हम थोड़ा सा सही कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर बाल को प्रॉपर तरीके से हमने इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से हम सही कर लेंगे। और जो बाल यहाँ पे छूटे हुए हैं ना, इसको भी अभी अंदर कर लेंगे और फिर बाद में ना हम इसको फिर बाहर निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम अंदर कर लेंगे। हमें इसको कान के पीछे से अपने ले जाते हुए इस तरीके से यहाँ पे दो नॉट बनानी है जिससे कि वो एकदम टाइट बन जाए। और पहली नॉट हम ना थोड़ी सी ढीली करेंगे और जो दूसरी नॉट है ना उसको खूब टाइटली करेंगे जैसे कि फिर वो खुले ना। तो यहाँ पे हम दूसरी नॉट को खूब टाइट कर देंगे और यहाँ पे जो थोड़ी सी हैंकी का पार्ट बचा हुआ है ना उसको इस तरीके से बैंड की तरह से फ्लावर बना देंगे। और एकदम ना हैंकी एकदम बैंड की जैसे लग रहा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। और यहाँ से हम बाल को थोड़ा सा ढीला करते हुए आगे की साइड ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम शोल्डर लेंथ। मतलब मैं पहले जब मैं छोटी थी तब मैं कटवाती थी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था जितना अभी लग रहा है रियल बताऊं तो। तो पीछे की साइड से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लग नहीं रहा है कि मैंने इसको फोल्ड किया है, एकदम लग रहा है कि मैंने इसको कटवाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ ना तो आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, तो कैसा लगा मेरा ये लुक, थोड़ा सा चेंज किया मैंने। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।